आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट में वीडियो के अंदर क्रॉप कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम शॉर्टकट के वीडियो एडिटर खोलेंगे, यहाँ पर ओपन फाइल दबाएंगे, यहाँ पर जो भी फाइल होगी सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से ओपन, बाद में इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब ये फाइल यहाँ पर ड्रैग हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने फाइल सेलेक्ट कर ली है, अब हमें इस पर क्रॉप करना सीखना है। अब क्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, पहले आपको जितना भी पार्ट इसमें क्रॉप करना है वो उतना पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे अभी वीडियो चल रहा है ना, ये व्यू से हो। लेकिन इस जो वेब कंपनी है, वेबसाइट ने काफ़ी बुरा वक्त देखा है काफ़ी कंट्रोवर्सीज की वजह से। अब ये जो है मुझे थोड़ा सा पार्ट इसमें क्रॉप करना है अपने हिसाब से, तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले जितना भी वीडियो मुझे, जितने भी वीडियो में पार्ट मुझे क्रॉप करना है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ से क्रॉप स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर ले आऊँगा, इसके बाद यहाँ दबाऊँगा स्प्लिट हेड प्ले हेड, फिर जहाँ तक मुझे पार्ट का ख़त्म खात्मा करना है, यहाँ तक मतलब मुझे एंड करना है इस पार्ट का, तो यहाँ पे कर्सर ले आऊँगा और यहाँ पे स्प्लिट हेड प्ले हेड दबा दूँगा। ठीक है, अभी इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे करूँगा इस तरीके से क्लिक, अभी डार्क हो गया, इतना पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दबाऊँगा फिल्टर्स, यहाँ पर प्लस के साइन पर दबाऊँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा क्रॉप, अभी क्रॉप रेक्टेंगल वाला है, क्रॉप रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कोना पकड़ेंगे और इस तरीके से हम क्रॉप कर सकते हैं फोटो को, ऐसे क्रॉप करना है। ठीक है, अब जैसे फुल, अभी फुल फोटो है, मैं इसको इतना एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाना हूँ आपको, इतना मैंने इसको क्रॉप कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट होगा वो इतना फोटो आएगा। ठीक है ना, अभी यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, पहले यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर नॉर्मल आएगा लेकिन यहाँ से क्रॉप पार्ट आएगा, अभी आपको दिखाता हूँ। कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन इस जो वेब कंपनी है, वेबसाइट ने काफ़ी बुरा वक्त देखा है काफ़ी कंट्रोवर्सीज की वजह से। इस वेबसाइट को काफ़ी हेट मिला था काफ़ी कंट्रोवर्सीज की वजह से, और एक गलत फहमी की वजह से भी, जो वो गलत फहमी की बात कर रहा हूँ। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉप हो गया है ये इतना पार्ट वीडियो में, और जब आप वीडियो को सेव कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, तो क्रॉप्ड होके दिखेगा ऐसे, ये स्क्वायर तो नहीं दिखेगा। ठीक है ना, इस तरीके से होता है, इतना ही था इसमें, इस तरीके से आप वीडियो के अंदर क्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, थैंक यू।